Hey guys, assalamu alaikum. I hope everybody is doing great and welcome to my channel Imad Clicks. So guys, कैसे हैं आप? I know a lot of लोगों ने मुझे कल मैसेज किया कि भाई आपका वीडियो क्यों नहीं आया. Really, मुझे नहीं लगा था कि लोग मतलब मैसेज करेंगे मेरे को पूछेंगे भाई सब खैरियत है या नहीं है. But I'm really honored guys, really really. But it means a lot guys. So actually हुआ यूँ, मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि कल मैं व्लॉग क्यों नहीं कर पाया. जैसे मैंने आपको बताया था मेरा वैक्सीनेशन का डेट था, तो आई वॉज लिटल बिट एक्साइटेड अबाउट यू नो डूइंग द वैक्सीनेशन फॉर कोविड. तो यूँ ही एक बज गया मुझे, मैं निकलने वाला था वैक्सीनेशन के लिए एंड आई वॉज एक्चुअली व्लॉगिंग. तो क्या वो मेरे को मैसेज आता है फ़ोन पे कि आपका जो वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो गया. तो इट वॉज लाइक यू नो कोविड वालों ने मतलब दे से कैचर लगा मेरा मजाक, तो वही वाला सीन हो गया मेरे साथ. एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, सारे प्लान की जो मैंने सोचा था जो व्लॉग मेरे को शूट करना है उस पर पानी फेर गया. उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि अब मैंने सोचा कि आई कवर इट अप विथ समथिंग यू नो, हम शूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. लेकिन उसके बाद एक सीन हो गया, मेरे को फ़ोन आ गया. हमारे क्लोज रिलेटिव है यू नो जो थोड़ा सा इनको कोविड पॉजिटिव हुआ है, तो एक्चुअली एंटायर फैमिली इज़ कोविड पॉजिटिव एंड एवरीथिंग. तो आई हैड टू प्रोक्योर सम ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर देम. सो उसके लिए मेरे को पूरा हैदरपुरा यू नो बाईपास क्या बोलते हैं वहाँ पर जाना पड़ा. तो वहाँ से मैं फिर लेके आ गया, तो उसके साथ काफ़ी टाइम यू नो निकल गया. उसके बाद आई वॉज नॉट ऑल्सो इन अ मूड टू यू नो व्लॉग. एंड जब मैं घर आया तो मैं बहुत थका हुआ था. उसके बाद मतलब नहाना पड़ा, ये सब कुछ सीन हो गए. तो दिस वॉज हाउ माई डे वेंट यस्टरडे. तो चलिए आप बात करते हैं आज के दिन की. अब आज का दिन बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आई एम गोना सरप्राइज माई फ्रेंड बाई गिविंग हिम अ विजिट. उसको नहीं पता मैं उसके पास जा रहा हूँ. तो गाइस मैं वहां पे जा क्यों रहा हूँ. एक्चुअली बात ये है कि जहाँ वो रहता है ना वो बहुत ही पीसफुल जगह है एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है. और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि वो कहाँ रहता है एंड कितनी कूल जगह है वो. और हम लोग पहुंच गए. यस 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 यस. देखता हूँ क्या कहता है. अब घर पे होना चाहिए बस सीन ये. हेलो हेलो सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. Where is Nepal? Nepal? It's okay. What's going on? I guess it's on a pause. I should have to get. No? Then you... I'll pause. Assalamualaikum. Here we go. What are you doing? What are you doing? I'm going to do it now. I'm going to go to the surprise. वहाँ कुछ नहीं है. अरे देखेंगे यार मजा आएगा. हाँ नेचर है, पानी होगा. पानी का नाम सुनते ही मुझे प्यास लगती है और मुझे नेचर से बिल्कुल भी मुझे नेचर अब अच्छा नहीं लगता. क्यों? जब से कोविड हुआ है. तो अभी हम लोग हैं कारे भाई के घर पे. दिस ऑन द बैक इज कारे भाई हाउस. ये देखो ये मल्टी मिलियनर है. यहाँ पे 5-6 गाड़ियाँ लगी है और ये पूरा एरिया कारे भाई का है. एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. मुझे यहाँ पे क्यों अच्छा लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा मतलब क्यों क्या बोलते हैं उसके खुला खुला है. एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं. तो गाइस आपको दिखाते हैं हम लोग कारिफ का घर और कारिफ का नेबरहुड और आप खुद डिसाइड करो कि कितनी खूबसूरत जगह है. रहता ना ये बंदा जन्नत में? बिल्कुल रहता ना. बिल्कुल. पॉइंट है कुछ सेट. Thank you.
गाइस इफ यू आर वंडरिंग हम लोग अभी कहाँ पे हैं, हम लोग अभी है सईदपुरा में जो श्रीनगर में आता है हज़रतबल के आगे। अब एग्जैक्टली मैं आपको समझा नहीं सकता कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, लेकिन सईदपुरा सर्च करना एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये जो है ना, ये इनका किचन गार्डन कहो, पता नहीं क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे चेरी है, पियर्स है, और क्या एप्पल है, एप्पल है, एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट है, और क्या है, और जंगल है, समझ गए, समझ गए ना, लो काट है, मतलब सारा इनको खेती, इनको खाने वाने की जरूरत नहीं है। अनार है, मतलब कोई भी फ्रूट का नाम ले लो वो उनके पास है। यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं है, क्या है, वेजिटेबल्स। अच्छा, और सबसे अच्छी बात है ये अपने घर में ही वेजिटेबल्स उगाते हैं, जिसे बाहर ऑर्गेनिक कहा जाता है, यहाँ पर नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इनकी किचन वो अरब वर कैसे बना। तो यहाँ पे हाक है, यहाँ पे कारिफ है, मैं हूँ, मटर है, और ये इनकी किचन गार्डन है। So guys, what I love about this place is that you find everything which connects your soul to the nature. ये कारिफ का बैकयार्ड है जहाँ पे आपको हर चीज़ नज़र आएगी जो मुझे बहुत खुशी देती है। So guys, अब अपन लोगों ने मास्क हटा दिया है, फ्रेश एयर। कहाँ पे जो लॉग्स पड़े थे यहाँ पे। यहाँ पे तुम बर्ड फोटोग्राफी के लिए भी आ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बर्ड्स होते हैं। ये जो एंटायर एरिया है ना, बहुत सारे पेड़ों से ढका हुआ है, और यहाँ पे आपको बहुत प्रकार के पंछी मिलेंगे, आई मीन बर्ड्स। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्प्रिंग्स की खोज में, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स है, एंड इट्स सो पीसफुल वॉकिंग थ्रू दिस ब्यूटीफुल यू नो डेंस एलीज। कारिफ इज टेलिंग मी जब वो छोटा था तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ देखना एक आम बात थी, और बहुत सारे स्प्रिंग्स हुआ करते थे। अभी हम लोग जो नज़दीक वाला स्प्रिंग है वहाँ जाएंगे थ्रू दिस डेंस ट्रीज, एंड इट्स रियली नियर, ज़्यादा दूर नहीं है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस व्लॉग इज द जर्नी जो कारिफ और मैंने नेचर के साथ महसूस की आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। पहुँच गए ऑलमोस्ट देयर, आर्कोलॉजिस्ट दो हमने डिस्कवर किया है यहाँ पे, नाग स्प्रिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, एंड यू कैन सी देयर, आई विल शो यू। मजदार कैसा है, मैं गया था इसको सरप्राइज देने, लेकिन यहाँ आके मैं खुद सरप्राइज हो गया, इसलिए मेरी बहुत फिरत, क्या बोलते हैं उसको, मेरी हालत खराब कर दी। आए मम्मी मुझे घर जाना है। भाई ओ भाई मैं थक गया बहुत। अरे मेरी गाड़ी, oh my god, finally I can see my car and I'll be going home ASAP, kyunki ab main dobara yahan nahi aaunga,
आऊंगा तो रमजान के बाद ही, पानी की 10-15 बोतलें साथ लेके। यहाँ तो सुप्रीम है, यहाँ पे पानी की बोतलें जरूरत नहीं है। वैसे जरूरत नहीं है, पानी यहीं से निकल जाएगा, कहीं पे भी खोद लेंगे पानी निकल जाएगा। सो गाइस, सी यू एट द होम। सो गाइस, आई एम बैक टू माई स्टूडियोज एंड मुझे लगता है आप लोगों को मजा आया इस व्लॉग में। गए तो थे हम कारिफ को सरप्राइज देने और हम खुद सरप्राइज हो गए। उसने हमें काफ़ी एक्सप्लोर कराया अपना नेबरहुड एंड वाकई में हम लोगों को बहुत मज़ा आया। एंड आपको पता है जो लोग बहुत कम बोलते हैं ना, वो हमेशा आपको एट द एंड दे पुट यू इन द ट्रबल। और मुझे लगता है ये रमजान मेरे बहुत ही ज़बरदस्त गए हैं, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। बाय द एंड ऑफ द डे आई एम ऑलवेज टायर्ड, आई एम थर्स्टी एंड अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो ये लास्ट के 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं, बट एनीवेज विद ऑल दैट सेड, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग में मज़ा आया। यू नो अगर आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल पे अगर आप पहली बार ये सब कुछ देख रहे हैं। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो।